निंजा टेक्निक में तो पहले से प्रो हूं, ऊपर से आ गया है ये स्पाइडरमैन का जाला। कि निंजा टेक्निक में तो पहले से प्रो हूं, ऊपर से आ गया है स्पाइडरमैन का जाला, और जब मारता हूं बंदों को दौड़ा दौड़ा कर तो मैं खुद भी बोलता हूं, पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला। अब भैया देखो, मैं डेली कंटेंट बना के थक जाता हूँ, और थका इंसान आखिर क्या करता है, लेट के रील देखता है। तो मैं भी भैया कल लेट के रील देख रहा था, पर एक रील के बाद दूसरी रील पुष्पा, तीसरी फिर कोई और सी, लेकिन चौथी फिर पुष्पा। भैया पुष्पा पुष्पराज मैं झुकेगा नहीं साला के अलावा कछु चले नहीं रहा रील में। बंद करो, मैं हाथ जोड़ के मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, बंद करो। खैर ये मैच पूरा देखना, कहे कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अभी हम उतरे हैं स्कूल अपार्टमेंट, तो चलो पकड़ते हैं हर बंदों को। अगर आप रॉयल पास लेना चाहते हो तो प्रोवो के थ्रू आप आसानी से ले सकते हो, क्योंकि प्रोवो में पूछे जाते हैं गेमिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, जिनका आंसर आपको यस या नो में देना होता है, और इसमें आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के बहुत सारा पैसा जी सकते हो। तो जरा आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि अपनी स्किल्स का यूज करके काफी सारा पैसा जीत रहे हैं, और फिर उन पैसों से यूसी रॉयल पास क्रिएट ओपनिंग लकी स्पिन ये सब कर रहे हैं। तो भाई लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से डाउनलोड करो प्रोबो, और आपको साइन अप करते ही मिलेगा 25 रुपए का बोनस। तो उन पैसों से क्वेश्चन के सही आंसर दो और जीतो और भी ज्यादा पैसा। अगर आप क्वांटिटी का यूज करके 2500 रुपए लगा के आंसर देते हो और आपका आंसर सही हो गया तो आपको मिलेंगे 475 रुपए, और अगर ज्यादा क्वांटिटी लगा के आप सही आंसर देते हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितना पैसा जीतोगे। खैर अब आप सोच रहे होगे कि फौजी भाई पैसे जीत तो गए पर निकालेंगे कैसे, तो भैया पेटीएम यूपीआई और बैंक अकाउंट के थ्रू इंस्टेंटली निकालो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अभी तो प्रोमो पर एक गिवअवे भी चल रहा है, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए बेहद छोटा सा अमाउंट लगा के स्क्रीनशॉट लेना है और फिर गेमिंग प्लेयर के इंस्टाग्राम में डीएम कर देना है। फिर वो लोग 10 लकी विनर को चूज करेंगे और जीते हुए लोगों को 200 से 500 रुपए तक सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, जाइए और पैसा जीतिए। अब इस बंदे से अगर मैं गलती से नॉक हो जाता तो मैं ये सीन पक्का काट देता, काहे कि यहाँ पे मेरा कोई भी बहाना सूट नहीं करता भैया। फिलहाल इसके टीममेट बड़ी वाली बिल्डिंग में होते हैं, तो हम लोग सीधा यहाँ जाते हैं और देखो यार इनको भी कैसे निपटाते हैं। अब ऊपर दो बंदे होते हैं, उनमें से एक को मैं नॉक कर देता हूँ और फिर यहाँ आके पट्टी लगाता हूँ, काहे कि दूसरे वाले को भी मारना है। लेकिन जब मैं पट्टी लगा रहा होता हूँ तभी वो दूसरे वाला कूद के भागने लगता है, तो पकड़ते हैं चाचा को। मीठी बोली तेरी होती है जैसे शक्कर, कि मीठी बोली तेरी होती है जैसे शक्कर, और जब तू मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देता ना तो मेरा दिल भी यही बोलता है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो यार यहाँ पे 3-4 बंदे होते हैं, इन सबकी मैं पेटी बनाता हूँ, और उसके बाद स्कूल अपार्टमेंट का ये इलाका पूरा का पूरा खाली हो जाता है भैया। तो फिर हम लोग लूटा लाटी करके सीधा स्कूल आ जाते हैं, कहे कि यहाँ पे गोलियां चल रही थी, तो देखो यार आगे क्या होगा। गाड़ी के पीछे यार। पीछे से गया बहुत हार्ड पोजीशन। मैं इसकी बेटी लूट रहा हूँ। ओपी और गजब तो सब तभी बोलते हैं जब तुम करते हो पूरा सर्वर खाली, पर एक मेरे ही ऐसे टीममेट हैं जो बोट मारने पर भी बजाते हैं ताली।
भैया बोट मारा हूँ, काहे हो पीओपी कर रहे हो? फिलहाल यार ऊपर भी बंदे होते हैं जो कि स्पाइडरमैन का जाला का यूज करके सामने वाली छत में चले गए हैं, तो देखो यार इनको मैं कैसे निपटाता हूँ। अरे मैं गलती से उधर पहुंच गया था, मुझे लगा कहीं बहुत हार्ड फौजी भाई। हेल्प मी गाइस, हेल्प मी, यू आर बॉट टैग। बोले जय जय श्री राम। तो यार फाइनली मैं इस बंदे को भी निपटा देता हूँ और इसी के साथ साथ सकूल भी पूरा खाली हो जाता है। तो फिर मैं और मेरे टीममेट यहाँ पे सामान का लेन देन कर ही रहे थे और तभी गाड़ी आई। तभी अचानक से यहाँ पे एक गाड़ी जाती है। तो क्या अब इनको भी हम निपटा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए फौजी सी जगह में। ये कई बंदा बहुत हार्ड, एक बंद ही है वो भी। ओए ओए ऑसम किलर सर, वो गजब भाई। जहाँ भी मिलती है पेटी उसी को लेते हैं लूट। और भाई लोग कमेंट में बताओ कैसा लगा ये क्राउच एंड सूट। जैसा भी लगा हो लाइक कर देना यार, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल इनकी पेटी बनाने के बाद मैं लूटा लाटी करके बंदों को ढूंढने आगे जा ही रहा था, और तभी मुझे सामने की तरफ दो दो गाड़ी दिखती हैं। तो देखो यार अब आगे क्या होगा। सोल मोटल। तो भैया यहाँ पर मैं सोल मोटल और सोल मोटल के टीममेट की पेटी बना देता हूँ, पर अभी यहाँ पे कुछ और बंदे बचे पड़े हैं जो कि देखो यार कहाँ होते हैं। तो यार सामने की तरफ मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ और उसके बाद अपने टीममेट से बोलता हूँ फटाक से बैठो, लेकिन जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक कोई बंदा मेरी किल चुरा लेगा। देखो आप भी करना। अब जिस बंदे ने मेरी किल चुराई थी वो मेरे को दिख नहीं रहा था, तो मैं सोचा कि राइट से फ्लैंक करके ऊपर जाऊं, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। कल एक लड़का मुझसे पूछता है फौजी भाई आपको सबसे ज्यादा बुरा कब लगा था? तो भैया एक अभी लगा जब मेरी आंखों के सामने दो दो किल चोरी हो गईं, और एक कुछ साल पहले लगा था क्योंकि एक लड़की थी जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मजाक से हटके बहुत ज्यादा। तो मैंने उससे तब कहा खो जाएगा कोई भी इनमें ऐसी आंखें पाई हो, कि खो जाएगा कोई भी इनमें ऐसी आंखें पाई हो, मैंने पूछा मैं कौन हूँ तुम्हारा, तो उसने कह दिया भाई हो। तब से लेके आज तक मैं उन सारी लड़कियों से नफरत करता हूँ जो जबरदस्ती में किसी लड़के को भाई कहती हैं। भाई बड़ अच्छा होता है पर हर लड़के के लिए नहीं यार। फिलहाल हम लोग पोचंकी जाते हैं और यहाँ पर मेरा एक टीममेट ऑफलाइन हो जाता है, तो हम उसके ऑनलाइन आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एक टीम आ जाती है। एक को तो मैंने बहुत हार्ड से ज्यादा डैमेज दिया, एक को पीछे से नॉक दिया। अरे भाई
अब यहाँ पे भैया टाइगर और रस दोनों नोक हो जाते हैं और अगर मैं इनको बचाऊंगा तो वो चारों बंदे मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, इसलिए अब अकेले लड़ना पड़ेगा। इधर आ जाओ, वो जब तक मेरा टीम नहीं निकाल तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। ओ भाई क्लच कर दिया, सच बताओ माँ बाप के सामने अपनी चलाएं, इतना हम में दम नहीं और ग्रोजा मिलने के बाद फौजी यशवंत थामा से कम नहीं। तो यार फाइनली यहाँ पे मैं 1v4 कर देता हूँ। तो ये क्लच आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब के साथ अपने एक दोस्त को शेयर भी कर देना। खैर यहाँ पे मैं टाइगर को रिवाइव देता हूँ और तभी मुझे सामने से गोली चलने की आवाज आती है, तो हम लोग गाड़ी लेके आगे जाते हैं और और लो भैया पलक झपकते ही इन दोनों सांप को भी निपटा दिया। फिलहाल अब बचे हैं बंदे 3। तो अब होगा इस मैच में एक बहुत ही मजेदार सीन, देखो क्या। स्नाइपिंग तो बच्चे भी करते हैं पर फौजी जैसी एडब्लम कोई चला नहीं पाएगा, सामने से करेगा पीक और सीधा पट्टे से है शॉट ही खाएगा। तो यार एक बंदे को तो मैं निपटा देता हूँ पर दूसरा भैया उचक रहा था तो मेरे को लगा कि वो मेरा फैन है, इसलिए मैं उसे नहीं मारता और मिलने आगे जाता हूँ। और देखो अब आगे देखो बिल्कुल सही मार रहा है, बिल्कुल सही है, मेरे मार से हल्का सा लेफ्ट मोल्टो फेंक रहा है, बच गया मैं। अब यार ये बंदा मेरा फैन होता है, हालांकि नाम मैंने नहीं पूछ पाया तो उसके लिए सॉरी मेरे भाई, पर तुम जो भी थे बंदे बहुत अच्छे थे, तो लव यू सो मच। खैर इन्होंने बोला था कि एक शायरी सुनाओ तो मैंने शायरी सुनाई और उसके बाद मैंने बोला कि चलो पेन फाइट करते हैं, पर चाचा कहते हैं कि अपने फैन को चिकन डिनर दे दो, तो लो भैया चिकन डिनर। यार जरा गर्व करते हैं मेरे माँ बाप, मेहनत करके मैंने ऐसा काम कर दिया और आज का ये वाला बिनर बिनर चिकन डिनर फौजी ने अपने फैन के नाम कर दिया। तो यार वीडियो के एंड करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मैं शुरुआत में बोलना भूल गया। तो भैया मैंने इंस्टाग्राम में कार की रील्स अपलोड कर दी है कि मैंने कौन सी कार लाई है, तो वो आप लोग देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फाइनली हो जाता है इस बंदे का चिकन डिनर, तो अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल में हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और हो सके तो अपने एक दोस्त को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं कल को नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत जय माता दी।